आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी का जिसका आज तक अभी किसी को क्लियर पता नहीं चल पाता कि ये होती क्यों है क्या, और जिसको होती है उसकी लाइफ काफ़ी हद तक एक मुश्किल दौर से गुजरती है। बीमारी का नाम है फाइब्रोमायल्जिया। मैं डॉक्टर नवल मेहंदी रत्ता, सीनियर कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव, उसके बारे में आज थोड़ा बहुत डिटेल्स आपको बताऊँगा। तो बहुत टाइम हमारे पास पेशेंट्स आते हैं दर्द के साथ, दर्द के लिए इतने उनके टाइम से चल रहा होता है काफ़ी टाइम, एक साल दो साल पूरा निकल चुका होता है, बट पूरे टाइम शरीर दर्द में ही बना रहता है। क्या कारण होता है इस दर्द का? बहुत सारे डॉक्टर्स को मिल के आते हैं, कुछ कोई भी एक स्पेशलिस्ट के पास लेट ही पहुंचता है, बट वो काफ़ी टेस्ट हो चुके होते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, कहीं पे कुछ पकड़ में ही नहीं आ रहा होता, फिर भी पेशेंट को लगता है कि दर्द ही दर्द चल रहा है। फैमिली मेम्बर्स भी, उनको भी लगता है कि ये कुछ ऐसे ही दर्द का बहाना बना रहे हैं पेशेंट, क्योंकि बात में कहीं पे भी नहीं दिखता, टेस्ट में कहीं नहीं आ रहा, स्कैन सारे नॉर्मल आ रहे हैं, बट ये एक है अंदरूनी बीमारी जिसका नाम फाइब्रोमायल्जिया कहते हैं। फाइब्रोमायल्जिया में हमारे जो केमिकल होते हैं, जो पेन्स का पाथवे होता है, वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुका होता है। इसमें फिर शरीर में धीरे धीरे दर्द स्टार्ट होता है। कारण फाइब्रोमायल्जिया के बहुत हो सकते हैं। कई बार हमारा एक्सीडेंट होता है तो एक चोट के बाद एक जगह का दर्द बन जाता है। हमारे गठिया के पेशेंट्स हैं, उनको बहुत टाइम दर्द में रहते हैं तो उसके साथ उसमें दर्द शुरू हो जाता है। किसी को बैक में इंजरी होती है तो बैक की इंजरी अगर नहीं ट्रीट करी गई वो हर जगह फैलना शुरू हो जाती है, जो हर जगह फिर एक दर्द फैलता चला जाता है। और इसमें मसल्स में दर्द, जोड़ों में दर्द, बॉडी पेन, बहुत सारा दर्द ही दर्द में चलता रहता है पेशेंट। थकावट इतनी रहती है कि कुछ काम करने का मन नहीं कर पाता, सो के उठ के भी शरीर एकदम थका थका मारा ही लग रहा होता है। इसके साथ साथ काफ़ी लोगों में चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, कुछ शरीर इतना दर्द में होता है कि उनको और कुछ सूझ नहीं पाता, सरदर्द शुरू हो जाता है, लेडीज़ में मेंसेस में पेन बहुत बढ़ जाता है, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन, कईयों को लूज मोशंस भी होते रहते हैं, साथ में एक भूल जाने की बीमारी भी थोड़ी बहुत शुरुआत हो जाती है कि छोटी छोटी चीज़ें जो हमने दिन भर में करी वो हमारे से भूलना शुरुआत हो जाती हैं। ये सारे लक्षण ही फाइब्रोमायल्जिया के होते हैं। हाँ, इसका कोई डेफिनेट टेस्ट नहीं है कि हम बोले कि आप ये जाके टेस्ट करा लो और आपका हमारे को डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा। इसको डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं कि हमने सब कुछ रूल आउट कर लिया है कि आपको गठिया नहीं है तो इसका बीमारी का डायग्नोसिस बनता है, आपको थायराइड नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, कैल्शियम विटामिन डी की कमी नहीं है, ये सब चीज़ें रूल आउट करने के बाद ही हम इसको बना पाते हैं। रूमेटोलॉजिस्ट एक बहुत जल्दी इस बीमारी को पकड़ पाता है क्योंकि उनको पता है वहाँ जहाँ पे इसके पॉइंट्स होते हैं कि कहीं पर उन वहाँ पे दबाने पे दर्द पता चलता है, तो आराम से इस चीज़ में दिख जाता है। याद आता है कि हमारे यहाँ लेडीज़ में ही पाई जाती हैं, जेंट्स में थोड़ा सा हमने इसका प्रेवलेंस अपनी प्रैक्टिस में कम देखा है, बट काफ़ी 6 से 10 में लेडीज़ को गठिया से ज़्यादा कॉमन है ये बीमारी जो हम डेली अपने प्रैक्टिस में देखते हैं। तो डेफिनेटली इस बीमारी को इग्नोर नहीं करें, बिकॉज इसको धीरे धीरे अगर दर्द फैलता चला जाता है तो बहुत टाइम तक लोगों को बिल्कुल व्हीलचेयर पे भी हमने देखा है आ जाते हैं, इतने इस दर्द में बीमारी में दर्द फैलता रहता है। तो इसलिए जल्दी जब भी लगता है कि ऐसा दर्द चले जा रहा है जो ठीक नहीं हो रहा, तो जल्दी से जल्दी अपने रूमेटोलॉजिस्ट को अप्रोच करें। थैंक यू।